गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और उसमें अपन ने नॉर्मलिटी मोलरिटी वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब अपन क्या है कि जो ठोस है उनकी विलेयता अपन ने पढ़ी द्रवों में, और उसके बाद अपन गैसों की जो विलेयता है उसको पढ़ रहे थे। और उसी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो गैसों की जो विलेयता होती है उन पर यदि दाब का प्रभाव अपन समझाएंगे तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, हेनरी नियम जो है उसकी थोड़ी सी हेल्प लेंगे और उसके द्वारा हम इसको समझाएंगे। तो आज अपन हेनरी नियम को, हालांकि मैंने कल थोड़ा आपको मोटा मोटा बता दिया था, बाकी आज थोड़ा अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। हेनरी नियम, हेनरी नियम जो है वो वैसे तो विलेयता को समझाता है कि कोई भी जो गैस होती है उस गैस की द्रव में कैसी विलेयता रहेगी, कितनी रहेगी। और उन्होंने कहा था कि विलेयता जो होती है वो निर्भर करती है किस पे, लगाए जाने वाले दाब पर। तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी भी हम लिख सकते हैं। और आगे यदि हम प्रेशर की यदि बात करें कि कितना प्रेशर लगाएंगे तो कितना मास यदि होगा, तो उसमें हम थोड़ा सा इस नियम को थोड़ा और तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ कि हेनरी नियम के अनुसार कोई भी जो गैस होती है उसका कितना द्रव्यमान द्रव में घुलेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस गैस पर नियत तापमान पर कितना दाब लगाया जाता है। यानी कि घुलने वाले गैस का द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नियत तापमान पर द्रव की निश्चित मात्रा में साम्यावस्था पर घुलने वाली गैस की मात्रा या गैस का द्रव्यमान या गैस का द्रव्यमान लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यानी कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p और m इक्वल टू KHP। यहाँ पर m क्या है, m है गैस का घुलने वाली गैस का द्रव्यमान, m है आपका घुलने वाले गैस का द्रव्यमान, KH है हेनरी नियतांक और P है आंशिक दाब। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कोई भी जो द्रव होता है उसमें घुलने वाले गैस की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि उस पर कितना दाब लगाया गया है। जितने ज़्यादा दाब लगाएंगे उतने ही उसका द्रव्यमान उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अपन पे इस पे थोड़े कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस बने कि जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वो वर्क करता है नहीं करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपन देखेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मेट बता देता हूँ। जो हेनरी नियम है उसको हम नॉर्मल कंडीशन के अलावा मोल फ्रैक्शन के रूप में भी देखते हैं। तो देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन के रूप में या मोल भिन्न के रूप में। तो मोल भिन्न के रूप में क्या है इसका? मोल भिन्न के रूप में ये है कि कोई भी जो गैस है जो द्रव में घुल रही है उस गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि विलयन में गैस का जो आंशिक दाब है वो सीधे सीधे समानुपाती होता है उसके मोल भिन्न के, ठीक है। और आगे अपन इसको एक्सटेंड करें तो P इक्वल टू के एच एक्स ए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें क्या है बता देता हूँ मैं आपको। देखिए P A क्या है? गैस का आंशिक दाब। K H क्या है? उस गैस का हेनरी नियतांक। और एक्स ए क्या है? गैस का मोल भिन्न। क्लियर है चीज? अब अपन इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो देखिए, हम इसको गैस से रिप्लेस कर देते हैं। हम इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? गैस से। भाई गैस के लिए कर रहे हैं अपन, गैस किस में घुल रही है? द्रव में घुल रही है। तो अपन इसको गैस के लिए यदि ले लेते हैं तो देखिए, x of gas equal to मोल ऑफ गैस बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ H2। देखिए, यदि आप गैस के मोल भिन्न निकालोगे तो गैस के मोल बटे गैस के मोल प्लस जल के मोल, जल में अपन उसको घोल रहे हैं। और आप जानते हो कि जब कोई गैस जल में घुलेगी तो गैस की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, यानी कि एक तरह से नगण्य होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक बॉक्स बना के छोटा सा यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि एन गैस इज वेरी वेरी लेस देन एन ऑफ H2। ये चीज़ आप कर सकते हो। अब ये कर दोगे तो आपका ये जो कंटेंट है यहाँ पर ये हो जाएगा नेगलेट। अब ये नेगलेट हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? एक्स ऑफ गैस इक्वल टू एन ऑफ गैस बाय एन ऑफ H2। ये कुछ फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, कैसे बन जाएगा? एक्स ऑफ गैस इक्वल टू एन ऑफ गैस बाय एन ऑफ H2। यानी गैस का मोल भिन्न बराबर गैस के मोल बटे जल के मोल, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ मैं इसके, देख लेना आप लोग अच्छे से। देखिए, एक न्यूमेरिकल है एग्जांपल नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल जो है ना उसको थोड़ा छोटा लिखूँगा, आप कोशिश करना अच्छे से देखने, क्योंकि फिर जगह कम बचती है। देखो, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर N2 गैस को
जल से गुजारते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर N2 गैस को जल से गुजारते हैं। तो STP पर एक लीटर जल में कितनी मिलीलीटर N2 घुलेगी, ये क्वेश्चन है अपना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर N2 गैस को जल से गुजारते हैं तो STP पर एक लीटर जल में कितनी मिलीलीटर N2 घुलेगी। क्लियर है चीज़? और दिया क्या क्या है अपन को, अपन को दिया है यदि N2 का आंशिक दाब, N2 का आंशिक दाब है 742.5 टोर और N2 का KH है 5.75 × 10⁷ टोर, ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर N2 गैस को जल से गुजारते हैं तो STP पर एक लीटर जल में कितनी मिलीलीटर N2 घुलेगी यदि N2 का आंशिक दाब 742.5 टोर और N2 का KH जो है वो है 5.75 × 10⁷ टोर। इसको अपन को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप हल करोगे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिया क्या क्या गया है। तो दिया गया है, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना दिया गया है, ये आंशिक दाब ये है, कितना है 742.5 टोर, और क्या दिया गया है KH, क्या दिया गया है KH कितना है 5.75 × 10⁷ टोर, ठीक है। और पूछा क्या है V ऑफ N2, ये क्या करना है फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है V ऑफ N2। क्लियर है? अब अपन आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, जब आप इसका करोगे तो कैसे करोगे, देखिए PA इक्वल टू KHXA, इसको हम कर लेते हैं P ऑफ N2 इक्वल टू KHX ऑफ N2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे अपन इस फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा X ऑफ N2 P ऑफ N2 बाय KH, ये कितना दिया हुआ है 742.5 × 10⁷, तो ये आ गया आपके 1.27 × 10⁷
माइनस फाइव, ये क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू। ये जो आया है आपका ये क्या आया मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, कितना आया है 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब देख लीजिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, अभी तो अपने पास में क्या आया मोल फ्रैक्शन ही आया है। देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एन टू, एक्स ऑफ एन टू आया आपके पास में 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, अब देखिए एक्स ऑफ एन टू इक्वल टू होगा मोल ऑफ एन टू बाय मोल ऑफ एन टू प्लस मोल ऑफ एच टू। ठीक है, क्योंकि जब तक इसके नाइट्रोजन के मोल नहीं निकलेंगे तब तक अपन को आयतन पता नहीं चलेगा। तो अपन को क्या मिला अभी मोल फ्रैक्शन मिला है, तो मोल भिन्न से हम क्या निकालेंगे मोल निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए अब ये वही कंडीशन आ गई, कौन सी कंडीशन आ गई मैं आपको बता देता हूँ, एन ऑफ एन टू इज वेरी वेरी लेस देन एन ऑफ एच टू। ठीक है, ये वाली, तो हम इसको क्या कर देंगे इस वैल्यू क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा x ऑफ n2 इक्वल टू n ऑफ n2 बाय n ऑफ h2o। अब ये ऐसे हो गया, तो अब इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो देख लीजिए इसको इधर लाएंगे n ऑफ, रुक जा भाई, n ऑफ n2 यानी n2 के मोल बराबर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो मोल भिन्न किसके n2 के इंटू मोल किसके h2o के। मोल भिन्न कितने आए हैं तो n ऑफ n2 बराबर कितने आए हैं, अभी अपन ने किया ना, ये मोल भिन्न आया, मोल भिन्न कितना है 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू एच टू कितना है वही 1000 बाय 18। ठीक है, 1 लीटर बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में चेक करो आप 1 लीटर दे रखा है वहाँ वाटर, तो 1 लीटर में हम क्या करेंगे इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसके मोल निकालने के लिए क्या करते हैं एन ऑफ एच टू ओ बराबर डब्ल्यू ऑफ एच टू ओ बाय एम ऑफ एच टू ओ, ऐसे ही तो करते हैं, तो ऐसे करेंगे तो यही तो आएगा डब्ल्यू ऑफ एच टू ओ 1000 दे रखा है और एम ऑफ एच टू कितना होता है 18 होता है, तो बस हो गया ये आप क्या आ गया एन ऑफ एन टू आया आपके 7.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ठीक है, अब आपके पास में क्या आ गए मोल्स आ गए, अब मोल से अपन आयतन निकाल सकते हैं, मोल से आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं एन बराबर वी बटे 22.4 लीटर, और यदि हम इसको ऐसे करेंगे n बराबर v इन ml, वो ml पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन किसको लगा देंगे इसको लगा देंगे इसमें, तो देख लीजिए n ऑफ n2 बराबर v इन ml बाय, तो n ऑफ n2 कितना है ये है तो 7 पॉइंट, इसको इधर ले आइए v इन ml बराबर n ऑफ n2 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, तो v इन ml कितना आ गया n2 कितना है 7.16 इंटू 10 टू द पावर
-4 × 2200, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 16.04 ml, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसको मैं एक बार इधर लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए V in ml इक्वल टू n ऑफ N2 × 2400, तो V in ml बराबर ये है 7.16 × 10⁻⁴ × 2400, तो ये हो गया 16.04 ml, ये आपका हो गया आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पसीना आ गया स्टूडेंट्स खूब, तो बढ़िया। तो और आप लोग इनको नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत का, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते रहिए, इनको नोट्स बनाते रहिए, कहीं प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी प्रॉब्लम जब आती है जब पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, कंसेप्ट पता होगा ना आप लोगों को, मोर वर्क मोर टेंशन, लो वर्क लो टेंशन, नो वर्क नो टेंशन, तो आप लोगों को किस लेवल पे रहना है वो आप लोग डिसाइड कीजिए। ठीक है, नो वर्क नो टेंशन वाले पे रहोगे तो फिर आगे जाके दिक्कतें आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आप लोगों को इस पे, ताकि टेंशन कम रहे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, क्वेश्चन नंबर 2, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी में ऑक्सीजन घुली है। ठीक है, तथा हो सकता है दिख नहीं रहा आपको, नीचे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, दिखने की प्रॉब्लम हो सकती है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल में O2 घुली है, जिसके लिए KH जो है वो कितना है, 4.34 × 10⁴ एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय, और NTP पर O2 का आंशिक दाब 0.2 एटमॉस्फेरिक है, 0.2 वायुमंडलीय दाब है। तो साम्यावस्था पर O2 की
सांद्रता मोल प्रति लीटर में व्यक्त करो। ठीक है, तो देख लेते हैं दिया गया क्या क्या है आपको, वो देख लो पहले। तो आपको दिया गया है, हल में देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है आपको के एच, कितना दिया गया है? 3.34 इंटू 10^4 एटमॉस्फेरिक। और क्या दिया गया है आपको? आपको दिया गया है पी ए, कितना है? 0.2 एटमॉस्फेरिक। और क्या दिया गया है आपको? ये पी जो होता है इसको क्या ले सकते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ टू ले सकते हो, आंशिक दाब किसका? ओ टू का ले सकते हो। और डब्ल्यू ऑफ एच टू ओ जो है आप यहाँ कितना मानोगे? 1000 ग्राम। अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे सॉर्ट आउट करना है देख लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं फिर इधर मिटा देंगे। देखिए पी नॉट पी ए बराबर के एच इन टू सॉरी एक्स ए, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये पी जो है, ए जो है, ये किसका कर देते हैं अपन? ओ टू का। आंशिक दाब किसका कर देते हैं? ऑक्सीजन का। इक्वल टू के एच, और ये किसका कर देते हैं? ऑक्सीजन का कर देते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? मोल भिन्न निकालना है। तो एक्स ऑफ ओ टू बराबर प्रेशर ऑफ ओ टू बाय हेनरी नियतांक कितना है? कितना दे रखा है? 0.2 बाय 3.34 इंटू 10^4। तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है 4.6 इंटू 10^-6 एटमॉस्फेरिक। सॉरी, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो ये आ रहा है आपका मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 4.6 इंटू 10^-6। अब यहाँ आ जाओ इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 बराबर मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 बाय मोल्स ऑफ O2 इनटू मोल्स ऑफ H2O। तो अब इस बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ कि मोल्स ऑफ O2 इज वेरी वेरी लेस देन मोल्स ऑफ H2O, कहा था मैंने आप लोगों से। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो अब क्या बचा? O2 के मोल फ्रैक्शन O2 के मोल बटे H2O के मोल, इसको इधर लाएंगे। तो मोल्स ऑफ O2 बराबर इसको इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या वैल्यू है यहाँ कर लेते हैं जगह खाली। कली साहब जगह खाली देख लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको। N ऑफ O2 बराबर मोल्स ऑफ O2 इनटू मोल्स ऑफ H2। तो N ऑफ O2 बराबर ये कितना आया? 4.6 इनटू 10^-6 इनटू 1000 बाय 18। इसको मैंने बताया था आपको, N ऑफ H2O बराबर W ऑफ H2O बाय M ऑफ H2O। क्लियर है चीज़? तो वही चीज़ रखी है अपन ने। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है आपके N ऑफ O2 बराबर 2.55 इंटू 10^-4 मोल पर लीटर। और ये ही आपसे क्या है उसमें पूछा गया है। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फटाफट इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना,
देख लो एक बार फिर और मैं बता देता हूँ, के एच अपन को दिया गया है, पी ए अपन को दिया गया है, तो अपन को डब्ल्यू ऑफ H2O 1000 अपन ने ले लिया, तो पी ए बराबर के एच इंटू एक्स है, तो अपन ने इसको रिप्लेस कर लिया किससे, ओ टू से, क्योंकि हमको किसका चाहिए, ओ टू पे हम वर्क कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब बराबर हेनरी नियतांक और ऑक्सीजन के मोल भिन्न। अब ऑक्सीजन के मोल भिन्न निकालने तो उसको इधर लाएंगे, तो ये किधर गया, इधर, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब बटे हेनरी नियतांक, आंशिक दाब ऑक्सीजन का ये दे रखा है, हेनरी नियतांक ये दे रखा है, तो मोल भिन्न कितने आ गए, 4.6 × 10⁻⁶। अब देखिए ऑक्सीजन के मोल भिन्न बराबर ऑक्सीजन के मोल बटे ऑक्सीजन के मोल प्लस, सॉरी शिट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स अभी, प्लस किसके, जल के मोल। अब यहाँ पर ये जो है ऑक्सीजन के जो मोल है वो बहुत कम है किसकी तुलना में, जल की तुलना में, तो इनको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये तो नेगलेक्ट हो ही गया, बचा कौन, ये तो इसके नीचे कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो मोल भिन्न किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के मोल बटे जल के मोल, इनको इधर लाएंगे तो ये किस में चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल बराबर ऑक्सीजन के मोल भिन्न गुणा जल के मोल, बस यही तो किया, ठीक है, और आंसर आपका आ गया ये, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग प्रॉपर टाइम पे नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, कहीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, समझने में प्रॉब्लम आती है वो भी चीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, जब तक आप बताओगे नहीं पता नहीं चलेगा, तो आराम से क्वेश्चंस को कीजिए, टॉपिकों को समझिए, और आज इतना ही पढ़ाएंगे, थैंक यू बेटा।